फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको, ये हमारे पास कुर्ती है और ये पीछे का हमारे पास पीस है और पीछे के पीस में हमें गले का डिज़ाइन बनाना है, तो वो डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और सेंटर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सेंटर का निशान लगाएंगे। अब देखिए, उल्टी साइड हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है, तो जितने भी आपको डीप गला बनाना उसी के अनुसार हमें निशान सेंटर का लगाना होता है, तो हमने भी उसी के अनुसार लगाया हुआ है। अब देखिए, एक हमें बुकरम का पीस चाहिए और जो इसकी हमने, ये देखिए लेंथ दी हुई है हमने 13.5 दी हुई है और जो इसकी हमने चौड़ाई ली हुई है ये हमने 7 इंच की ली हुई है। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब एक जितनी भी गले की चौड़ाई आपको रखनी है आपके उसी के अनुसार रखें, तो मैं इसमें 2.25 की चौड़ाई रखूँगी इस तरह। और जो गले की गहराई, यदि आप 6 पहनते हैं या 7 पहनते हैं, उसी में 0.5 इंच प्लस करें, तो इसमें मुझे 7.5 तैयार चाहिए, तो मैं 8 इंच का गला रखूँगी। ये देखिए, ये हमने 8 इंच लिया हुआ है। ये देखिए, अब इसको भी मैं इस तरीके से करूँगी। ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले जो मेरा हमें मेन गला होता है वो उसकी हमें गोलाई देंगे इस तरीके से। देखिए, 1.25 इंच का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरीके से, और इस निशान को मैं 4.5 इंच तक रखूँगी इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसकी हम देंगे गोलाई इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से 1-1 इंच हमें रखना है इस तरीके से। अब इन सभी निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे इसकी, और यहाँ पर भी हमें गोलाई देनी होगी, और यहाँ पर इस तरह गोलाई देते हुए और इस गोलाई को हम इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। अब सबसे पहले हम ये बाहर की कटिंग करेंगे। अब जो अंदर की साइड है उसकी हम कटिंग करेंगे और इसी तरह गोल शेप देते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ तक हम ऐसे ही लाना है और उसके बाद जो हमारा मेन गला है, जितना भी आप डीप गला पहनते हो उसी के अनुसार आप इसकी लंबाई चौड़ाई रखें। और ये देखिए, इस तरह से कुछ हमारा गला बनकर ये तैयार होगा। अब एक सेंटर का निशान हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, इस तरह से हमें कपड़े के ऊपर इसको रखना है और थोड़े थोड़े कपड़ा रखते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें कट का निशान दोनों तरफ इस तरीके से लगा देंगे, ताकि इस जगह से हमारा जो गला है ये आराम से इस तरह फोल्ड हो जाए दोनों तरफ से। अब देखिए, इस तरह से हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमने ये कट लगाया और ये आराम से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। और साइड भी हमने यहाँ पर ये देखिए कट लगाया था, और ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरह कट लगाकर आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से हमारा गला तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से, और इसी शेप में हमें इसको लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, गला हमारा बनकर तैयार है। और अब हमें करना क्या है, यदि आपके पास मैचिंग में कपड़ा है, यदि आपकी सलवार कुर्ते के साथ मैचिंग में, या उसमें कोई फ्लावर इस तरीके के दिखाए हुए हैं अलग कलर के, तो उस तरह का आप कपड़ा लें। और उसके लिए हमें इस तरीके से क्रॉस स्ट्रिप चाहिएगी और ये हमें 1.5 इंच की चाहिएगी। अब देखिए, इस तरीके से हमें चाहिए,
क्योंकि हमें ये दो तरफ लगानी है, तो कुछ हमें अब आवश्यकता पड़ेगी और कुछ हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। और ये देखिए आप एक सवा या डेढ़ इंच की आप इसकी कटिंग करें तो इतनी काफ़ी रहती है। अब देखिए इस तरह से इसका कोना इस साइड और इसका कोना इस साइड, और इस तरह से करके हमें इसको आपस में जोड़ना है इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से हमने इसमें जोड़ लगा लिए हैं, ये देखिए। अब एक तरह से हम इसको सीधे करेंगे इस तरह, और इस तरह पर इस तरह से हम इसको इस तरह करेंगे और यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई हमें इस पर लगानी है। तो पाइपिंग आप जितनी मोटी या बारीक निकालना चाहते हैं तो उससे कम में भी आप कर सकते हैं, और थोड़ी मोटी करना चाहते हैं तो पूरा एक पैर रखें। और जो एक्स्ट्रा ये हमारे पास क्रॉस स्ट्रिप है, ये हमें अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसको भी हम रख लेते हैं। और ये हमने जो यहाँ तक लगाई है इसको अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से और इस तरह पलटते हुए, और यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगानी है किनारे किनारे। देखिए कुछ इस तरह कैसे हमारे जो नेक है ये पीछे का, ये हमने तैयार किया है। अब इसको सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती के साथ अटैच करना है। अब देखिए इस तरीके से जैसे ये हमारी जैसे क्रॉस स्ट्रिप हमने लगाई थी ये उठी हुई है, तो थोड़ा कट हम यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर हमारी गोलाई, तो ये इस तरीके से दब जाएगी दोनों ही तरफ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम एक और लगा देते हैं। अब देखिए ये हमने एक सेंटर का बैक साइड में निशान लगाया था ये सीधा, और यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई 5 इंच की रखनी है, तो सवा दो का हम निशान लगाएंगे 4.5 तक, और थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई मारने के बाद ये पूरा 2.5 इंच का हो जाएगा इस साइड भी और इस साइड भी, तो हमारा गला 5 इंच का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2.25 का एक निशान इधर लगाते हैं और 2.25 का एक निशान हम इस साइड लगाते हैं। अब देखिए उल्टी साइड हमने इस निशान को लगाया था, और गला भी हमें उल्टी साइड रखना है इस तरीके से, एक इस साइड रखना है निशान पर और एक तरफ हमें ये गला इस तरीके से रखना है। और जो सेंटर का निशान है बिल्कुल जो हमने गले में सेंटर का निशान लगाया था उसके साथ हमारे इस तरह मिलना चाहिए। और यहाँ पर हम कोई पिन या सिफ्ट पिन या और पिन वगैरह लगा सकते हैं, सुई भी जो ख़राब सुइयाँ होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं, और तुरपाई वाली सुई भी लगा सकते हैं। सबसे पहले एक हम सेंटर में लगाएंगे गले के नीचे की तरफ इस तरीके से, और यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और एक हम इस साइड लगाएंगे, और एक हमने यहाँ लगाई है इस तरीके से, और एक हमने यहाँ लगाई है। अब देखिए दो हमने यहाँ लगाई, एक हमने सेंटर में लगाई और उसके बाद दो हमने सो यहाँ लगाई। अब हमें यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है इसमें चारों तरफ, और देखिए पिन अपनी निकालते जाएंगे और सिलाई हम लगाते जाएंगे। और इसी शेप में हमें लेना है,
देखिए इसको हमने इसके साथ इस तरीके से उल्टी साइड अटैच कर लिया है। और अब जितना पहले कपड़ा हमने रखा था उतना ही कपड़ा अभी भी रखना है। तो इसको लगाने के बाद सिलाई इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। छोटे छोटे कट हम इस पर लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए छोटे छोटे कट इसके चारों तरफ हमने इस तरह से यहाँ पर लगा लिए हैं सारे में, ये देखिए। अब हमें करना क्या है, इसको इस तरह से लेंगे और सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से सीधी तरफ, ये देखिए इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हम कच्ची सिलाई इसको लगाएंगे, बाद में हम इसको खोल देंगे। तो इस तरह से लगाएंगे गले को अंदर की तरफ कोने निकालते हुए पूरे, ये देखिए इस तरीके से। पूरे कोने हमें निकालने हैं इसके इस तरीके से। और साइड भी पूरा कोना निकालते हुए देखिए इस तरीके से हमें इसको अब सीधी तरह हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब ये हमारा सीधी तरफ है। और देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद अब जो हमारे पास ये क्रॉस स्ट्रिप बची थी, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से हम पहले सीधी कटिंग करेंगे और यहाँ से बारीक सिलाई लगाएंगे। और कोने पर थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे ताकि शेप अच्छी आए। और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। अब देखिए करना क्या है हमें, इसको लगाने के बाद अब हम इस तरह से उल्टी साइड इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तरीके से हमारा गला बनकर तैयार हुआ। और देखिए अब हमारा गला बनने के बाद अब हमें इस तरह, ये हमने इसी में से गले की कटिंग की थी और इसकी हमें अब आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसको हम इसके ये यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं पहले और इसको हम इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से और देख लेंगे हमें कितनी आवश्यकता है इस तरीके से। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर निकाल देते हमने, तो यहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से एक निशान इसके चारों तरफ लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे। और देखिए इतना हमें इसको अंदर की तरफ आवश्यकता है और इतना इतना हम बाहर की तरफ इसमें रखेंगे ताकि ऊपर नीचे हो जाए तो हमें क-
कम ना रहे इतना, और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसी के बचे हुए पीस से हम इसके अंदर पैच बनाकर लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो हमने इसके ऊपर हमने ये पाइपिंग निकाली और ये कपड़ा हमारा इस तरीके से खड़ा है, तो बाद में पैच लगाएंगे तो थोड़ी ये खड़ा खड़ा रहेगा तो खड़ेगा, तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। और अब ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अब देखिए जो ये हमारे पास पीस है, इसको हम ये सूट का ही बचा हुआ आर्म होल जो कटिंग करते हैं उसका बचा हुआ कपड़ा है। और इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर इस साइड हम ये लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पूरा इसके बराबर है। ये देखिए जहाँ तक डिजाइन है, और इसको हम एक कच्ची स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं इसकी इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा हम इसके चारों तरफ छोड़ देते हैं, तो कई बार लगाते हुए कम पड़ जाता है। देखिए सीधी तरफ हमारा इस तरह होगा। अब देखिए जो हमने इसकी पाइपिंग निकालनी थी, तो इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे इसको। ये देखिए, और यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई है, हमें क्या करना है इसको इस तरह पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर इसकी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से, और इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाएंगे। और अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे। और अब इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर एक हम सेंटर मार्क लगाएंगे इस तरह से, इस तरीके से। अब देखिए डेढ़ इंच की एक हमें स्ट्रिप चाहिएगी, इस तरीके से डेढ़ इंच का हम निशान लगाएंगे। और ये हमें सीधी चाहिए, पहले हमने क्रॉस स्ट्रिप निकाली थी और ये हमारी सीधी है। अब देखिए कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब देखिए एक सुई की सहायता से सबसे पहले आप इस तरह से इसमें टाँका लगाइए, ये देखिए, और उसके बाद इसको अंदर के अंदर इसको लेकर जाइए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा अंदर की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे और इस तरह से सीधी करेंगे इसको। अब देखिए आप ना इस तरीके से अपने पेच को इसके नीचे रखिए, और आप चाहें तो सीधे बस इतना ही डिजाइन बना सकते हैं। इसके चारों तरफ आप सिलाई लगाकर इसको तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप सबसे पहले इसके इस तरह से हमें ताकि पता रहे इस तरह के निशान लगाएं, और दोनों तरफ इतना इतना हमारा आया हुआ है। ये देखिए कॉर्नर हमारे यहाँ पर है, तो उसी के अनुसार हमें इसमें एक और डिजाइन बनाना है। आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर लगानी है, और इसको इसकी जो हमें ये तीन तीन इंच की लेनी है, तीन की इस तरह से। तीन तीन इंच की हमें इसकी कटिंग करनी है, और आप अपने डिजाइन के अनुसार यदि ये चौड़ा है तो ज़्यादा करें, और यदि और थोड़ा कम है तो आप इसको ढाई इंच की भी कर सकते हैं। तो वो आप डिजाइन आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं उसके अनुसार इसकी कटिंग करें। अब
देखिए एक हम यहाँ पर लगाएंगे और दोनों तरफ हमारा आधा आधा इंच जाना चाहिए। एक हम यहाँ पर लगाएंगे और एक हमें यहाँ पर लगानी है, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर बराबर, और एक यहाँ पर, और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इधर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस साइड लगानी है। देखिए इस तरह हमें मोती की कुछ आवश्यकता पड़ेगी, ये देखिए इस तरह। अब देखिए सबसे पहले हमें इस साइड से लेना है और इस साइड से लेना है इस तरीके से, ये देखिए इस तरह। और जो मोती है उसको हम लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ सेंटर में इसके लगाना है और अच्छे से इसको पक्का कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हम दूसरी साइड जाएंगे यहाँ पर इस तरह से मोती लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से करके अब देखिए हमारा जो पैच बनकर तैयार है। और अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और इतना ही हमने निशान इसमें लगाया था और बिल्कुल सेंटर का निशान हमारा इस तरह मिला होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे इस तरह। और देखिए एक स्लाइस को और हम पक्की तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। अब देखिए पैच हमारा लगकर तैयार हो चुका है, और हमने इसको जब इधर फोल्ड किया था एक कच्ची सिलाई लगाई थी, तो वो हम खोल देंगे तो ये इस साइड से हमारा इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ किनारे किनारे पर एक सिलाई और लगाएंगे इसके चारों तरफ। और ये बाद में हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमने अंदर पैच लगाया तो इस ये भी अच्छी तरह से यहाँ तक दब जाएगा। तो ये सिलाई लगानी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम नहीं लगाएंगे तो ये जो डिजाइन हमारा इस तरह रहेगा। और अब देखिए सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पूरा बराबर इस तरीके से अच्छी तरह से लग गया है। देखिए बनने के बाद हमारा जो डिजाइन है ये बैक की तरफ बनाया है हमने,
कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरीके से मैचिंग में पाइपिंग वगैरह निकाल कर कोई भी इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।